नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश और केंद्र सरकारों ने गायों के संरक्षण को लेकर तमाम वादे किए, लेकिन देवादे जमीनी हकीकत में नजर नहीं आ रहे। बल्कि गाय और अब माता की बजाय अब राजनीति का एक मुद्दा बन गया है, जिसे दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी भुनाने में पीछे नहीं रहती। कांग्रेस में तो चुनावी घोषणा पत्र में हर गाँव में गौशाला बनाने का वचन भी दिया गया था। सरकार बनने के 9 महीने के बाद भी हालात जस के तस हैं। रोड के बीचों बीच चौराहों पर और गलियों में भी गाय को देखा जा सकता है। जिस प्रकार शहर में पहले कुत्ते और सुअरों को दुत्कार कर भगाया जाता था, अब गली मोहल्ले और सड़कों पर गायों को भगाया जाता है। गौ माता का नाम बदलकर अब मवेशी हो गया है, उनके साथ आवारा नाम भी जोड़ दिया गया है। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सत्याग्रह किया जा रहा है। गौ अतिक्रमण हटावे का आज और गौ की गौ को हर पंचायत में गौशाला बनावे कब्जा करे वापस तो जाए छोड़ देने चाहिए। गाय को तो भगा रहे हैं, गाय की चंदोई पे कब्जा कर रहे हैं, तो गाय भगा रहे तो बाकी चंदोई भी छोड़ो। यही होगा अगर नहीं सुन रहे तो मुकर ताल पे बैठेंगे। पहले भी कोई गायों के संरक्षण के लिए उपाय कर चुके हैं? हाँ, कर चुके नहीं, 7 दिन मुकर ताल पे रहे थे, तब हमें आश्वासन दे दिया था कि शीघ्र से शीघ्र हटवा दें। गाय हिंदुओं की नस है, हिंदुओं का हृदय है। आज गाय बहुत दुखी है, मारी जा रही है, बेमौत मारी जा रही है। इसका सिर्फ एक कारण है, उसकी भूमि थी जो संविधान ने उसको दिलवाई थी, चरनोई भूमि पे कब्जे हो गए हैं। सरकार उसका मजाक बना रही है, कोई गऊ को गऊ मांस बना रहा है, कोई गऊ मजाक बना रहा है। महाराज जी की सीधी बात है, उसकी भूमि उसको दे दीजिए, कम से कम उसको खड़े होने जगह मिल जाए। आप शेड नहीं दे सकते, आपके पास पैसा नहीं है, ये बहानेबाजी छोड़कर आप उसकी भूमि छुड़वाइए जो गांधी जी आज़ादी के संग्राम सेनानियों ने उनको दिलवाई थी। आज उसी पे कब्जा हो गया है, वो आज के उसके पास खड़े होने जगह नहीं है। हाईवे पे जा रही कुचल रही है, कह रहे हैं गाय को हम जंगल छोड़कर, गाय जंगली जीव नहीं है, उसको वहाँ पे बचा के लाया जाता था एक जमाने में। आज हमारी नगर पालिका, हमारी सरकार है, उसको जंगल फेंक रही है। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।